हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको कैल्क में इनकम कैलकुलेशन की शीट बना के बताने वाले हैं। तो चलो भाई लोग, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सेल पे आ जाते हैं। एक मिनट वेट करो आप लोग, एक सेकेंड। ये खुल गई हमारी शीट, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिसमें आपको सही साफ साफ सब दिखाई दे अच्छे से। ओके, इतना काफ़ी है हमारे हिसाब से। ओके चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले पहले हमको यहाँ पे हेडिंग डालनी है, सीरियल नंबर। एस कैपिटल होता है एंड सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद हमको एम्प्लॉय की आईडी डालनी है, एम्प्लॉय वॉट आई डी, एम्प्लॉय आई डी। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम डालना है। ओके, उसके बाद पोस्ट डालनी है, उसके बाद इनकम डालनी है, फिर उसके बाद हावरली इनकम, मतलब हर घंटे की इनकम, हावरली इनकम, तब हर घंटे में कितना कमाते हैं। फिर डेली इनकम, डेली इनकम। ओके, फिर डेली इनकम पर डे इनकम, डेली इनकम के बाद है वीकली इनकम, सॉरी सॉरी, डेली इनकम के बाद वीकली इनकम, मतलब हर हफ्ते हम हर हफ्ते में कितनी सैलरी कमाते हैं उसमें बताएगा, वीकली इनकम। उसके बाद है ईयरली इनकम, ईयरली इनकम, ईयरली इनकम। ओके, तो अब हम इनको सेलेक्ट करके, डायरेक्ट सेलेक्ट करके इसमें ऑटोमेटिक, ये देखो कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, हावरली के बाद इनकम कम दिख रहा है, डेली के बाद इनकम कम दिख रहा है। ओके, तो आपको सेलेक्ट करके डायरेक्ट फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाना है। उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल कॉलम ब्रेथ, इस पर क्लिक करने से वो ऑटो अपने आप, मतलब अपने आप से ऑटोमेटिक कॉलम की ब्रेथ उसी हिसाब से बढ़ा लेगा जितना कि आपने लिखा है। ओके, सीरियल नंबर डाल लेते हैं, 1 2। अब डायरेक्ट इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करेंगे तो वो उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देगा। ओके, अब एम्प्लॉय की आईडी डालनी है, E501। ओके, अब यहाँ पे E502, इन दोनों को सेलेक्ट करके, अगर आप सीरियल वाइज कुछ भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट एक या दो नंबर लिखो, उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो। ओके, हाँ, अब एम्प्लॉय का नेम लिखना है, जैसे पहले संदीप कुमार, संदीप कुमार, सॉरी, संदीप कुमार, एक कैपिटल था, दूसरा सुधीर मोहन, सुधीर मोहन। उसके बाद है आशीष शर्मा, आशीष शर्मा। उसके बाद है संतोष तिवारी, संतोष तिवारी। उसके बाद है राजेश शर्मा, राजेश शर्मा। उसके बाद डाल लेते हैं रोहित, रोहित वर्मा। उसके बाद राजा किशोर, राजा किशोर, राजा किशोर। ओके, इनको हम डायरेक्ट ऊपर जाके, ये देखो ये कॉलम के बाहर जा रहे हैं दूसरे कॉलम में, तो ऊपर जाके डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। अब इनकी पोस्ट डालनी है, तो संदीप कुमार की पोस्ट डाल देते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर पी कैपिटल हो गया, ऑपरेटर। उसके बाद सुधीर मोहन का इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आशीष शर्मा का सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ओके, उसके बाद संतोष तिवारी पीओन, पीओन उसके बाद राजेश शर्मा मैनेजर, उसके बाद रोहित वर्मा टीएल एंड राजा किशोर एचआर ओके, ये हैं इनकी पोस्ट। यहाँ पे जाके फिर से डबल क्लिक कर लेते हैं। अब इनकी इनकम हम रैंडमली अपने हिसाब से भर देते हैं, 18,000, 14,500, 16,000, 12,000, 25,000, 17,000 और 22,000 ओके। अब हमें पर मतलब एक घंटे के मतलब एक घंटे में ये लोग कितना कमाते हैं हमको उतनी निकालनी है ओके। तो एक घंटे का निकालने के लिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट पहले एक घंटे का मतलब हावरली इनकम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल इनकम पे क्लिक करेंगे ओके, मतलब इनकम सेलेक्ट करेंगे, इनकम पे क्लिक करके /30/7 ओके, उसके बाद एंटर करेंगे, ये निकल आया हमारा हावरली इनकम, एक घंटे में हम कितना रुपए कमा लेते हैं ओके। अब फिर से ट्राई करके देखते हैं, इक्वल इनकम पे क्लिक करेंगे /30/7 ओके, आ गया। हम इनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक कर देंगे, बकाया सब भी अपने आप आ जाएगा ओके। अब इनमें ये वैल्यू कुछ ज़्यादा है, डेसिमल वैल्यू कम कर देते हैं। डेसिमल वैल्यू को कम करने के लिए आपको पहले सारे सिलेक्ट करने हैं जितनी आपको डेसिमल वैल्यू कम करनी है, उसके बाद इस पे ऑप्शन पे जाना है डिक्रीज डेसिमल ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो डेसिमल के बाद वाले डिजिट कम होती जा रही हैं, इतना काफ़ी है ओके। अब हमको निकालनी है डेली इनकम, डेली इनकम निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इक्वल इनकम /30 ओके, डायरेक्ट इक्वल इनकम /30 एंटर करेंगे, हमारी पर डे की इनकम निकल आएगी ओके, डेली इनकम। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल इनकम /30 ओके, ये निकल आया। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ट्रैक कर देंगे, सारे निकल आएंगे ओके। अब इनकी डेसिमल वैल्यू कम कर लेते हैं ओके, ये हो गया ओके। अब हमको निकालनी है वीकली इनकम ठीक है, तो वीकली इनकम निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इक्वल इनकम /30 फिर होगा स्टार मतलब इनटू, स्टार का साइन मतलब इनटू होता है ठीक है, 27 मतलब पहले पर डे की इनकम निकलेगी ठीक है, पर डे से इनटू करेंगे 7 का तो वीकली इनकम निकल आएगी ठीक है, 7 दिन का, एंटर निकल आए ओके। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल इनकम पे क्लिक /30 × 7 ओके डन, ये हमारी निकल आई वीकली इनकम, को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक कर देंगे, सारे निकल आएंगे। डेसिमल वैल्यू कम कर लेते हैं ठीक है। उसके बाद ईयरली इनकम, ईयरली इनकम निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इनकम × 12 ठीक है, मतलब इनकम ये जो इनकम लिखी है वो इनकम पर मंथ की है, मतलब एक महीने की इनकम ओके, और हमको निकालनी है पूरे साल की, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इंटू करने पे ईयरली इनकम निकल आएगी ओके। एंटर करेंगे, ये निकल आई हमारी ओके। फिर से ट्राई कर लेते हैं, इक्वल इनकम × 12 एंटर ओके, निकल आई, वो सिलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं, बकाया सब भी निकल आएगा। अब ये थोड़ा डिजिट फॉर्मल डिजिट लग रही है, तो इनको थोड़ा कॉमा लगा देते हैं, इससे ये लगने लगेगी सैलरी ओके। अच्छा ये डेसिमल वैल्यू ज़्यादा है डेसिमल वैल्यू कम कर लेते हैं, इनकी डेसिमल वैल्यू भी कम कर लेते हैं ठीक है। तो ये हमारी शीट बन के तैयार हो चुकी है, चलो अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हो जाती है ओके। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं,
फॉन्ट का कलर मैंने लाइक येलो कर दिया, ओके। और बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम ब्लैक, अब अच्छा लग रहा है, ओके। अब इनका कलर भी हमको चेंज करना है, वन बाई वन हम सबका कलर चेंज करके फॉर्मेटिंग करेंगे, से अच्छा लगेगा। रेड कर देते हैं, रेड एंड ब्लैक ये भी चाहिए। कर देते हैं येलो, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड रेड सही रहेगा, ठीक। उसके बाद संदीप ऑपरेटर, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो कर देते हैं लाइक स्काई ब्लू, वर्ल्ड का कलर हो जाएगा जो दिखाई दे अच्छे से। हाँ ये सही है, ये ठीक है, ओके। अब इसका कर देते हैं अलग, मैं हमको ब्लैक कलर अच्छा लगता है, इस वजह से इसका फॉर्मेटिंग ब्लैक रखेंगे ज़्यादातर, वो आप अपनी पसंद से रख सकते हो जो आप चाहो, ठीक है, ओके। इन तीनों का एक साथ कर देते हैं, वर्ल्ड कलर ब्लू, और ये, हाँ ये सही है ना, चलो ठीक है। अब ये इसमें भी हम ब्लैक किए दे रहे हैं, ओके। ये बनके तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, लगे कि हाँ हेडिंग है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ओके। अब इन सबको सिलेक्ट करके डायरेक्ट इसमें बॉर्डर लगाएंगे, ऑल बॉर्डर, ओके, लाइक अ टेबल, ये टेबल टाइप की बन गई है। हाँ अब इसमें हम हेडिंग डालेंगे, ओके। तो हेडिंग हमारी होगी, तो इसकी हेडिंग हम डालेंगे कैलकुलेट, नहीं पहले डायरेक्ट सेलेक्ट करके को मर्ज करना है, गलत हो गया, सॉरी। वो सेलेक्ट करना है जितना हमको चाहिए, चलो पहले उतना सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले हम उतना सेलेक्ट कर लेते हैं। लो गाइस, तो हमको इतना ही सेलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर पे जाएंगे, मर्ज सेंटर पे क्लिक करने से ये सारे सेल गायब हो जाएंगे, डायरेक्ट एक सेल हो जाएगा, ओके। सारे सेल को मर्ज करके एक सेल बना देगा, इसमें हेडिंग डालेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट सैलरी इनकम, हम कोष्टक में लिख देंगे बिग ब्रैकेट में, इनकम इनकम कैपिटल में लिख देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आवरली, आवरली स्लैश वीकली, नहीं आवरली के बाद स्लैश डेली स्लैश वीकली स्लैश वीकली के बाद ईयरली, नहीं वीकली के बाद आएगा मंथली, मंथली स्लैश ईयरली, ओके। तो हम इसको, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमको क्लियर दिखाई दे, ओके इतना ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, नहीं इटैलिक सही नहीं है, बोल्ड ठीक है। फिर इसमें हम कलर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा चाहें, ओके अब ठीक है। तो ये हमारी शीट बन के रेडी हो चुकी है, जो हमने इसमें फॉर्मूले बताए हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।